नमस्कार मित्रों, चुनाव 2019 के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। सातवां और आखिरी चरण 2 दिन में है। आज मेरा यह संवाद इस देश के युवा वोटरों के साथ है जिन्होंने अभी तक अपना मतदान नहीं दिया है, और खास करके यह संवाद प्रथम वोटरों के लिए है जो प्रथम बार अपना वोट डालने जा रहे हैं। तो आप कहेंगे कि ये छः चरणों के बाद अचानक मुझे सातवें चरण के पहले आपसे ये संवाद करने का विचार क्यों आया मेरे मन में। आज सुबह मैं जब टीवी देख रहा था तो भाग्य कहिए दुर्भाग्य कहिए टीवी चैनल न्यूज़ चैनल को देखने का मौका कम ही मिलता है। खैर, आज सुबह पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार और बंगाल के चुनावों की चर्चा चल रही थी टीवी चैनलों पर। कमोबेश सारे टीवी चैनल इन्हीं पर चर्चा कर रहे थे। तो एक बात जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को के चुनाव के आकलन को लेकर के टीवी में आ रही थी, वो सारे चैनल एक साथ पैरेलली जिसको कहिएगा वो जातीय समीकरण की बात कर रहे थे कि एक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10% ब्राह्मण हैं, वाई परसेंट राजपूत हैं, वैश्य हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं। अब सारा समीकरण इसी पे घूम के आ रहा था। इसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं थी कि प्रतिशत कितना है और ये प्रतिशत अन्य दलों के जो प्रत्याशी हैं उनसे कितना मैच कर रहा है। और यही बात 2-3 दिन पहले कुछ दिल्ली से नामी गिरामी पत्रकार आए थे, जो उनसे कहीं टकराहट हुई, कुछ वार्ता का मौका मिला, कमोबेश उनका भी यही था कि सारी चर्चा की बनारस में मतदान अगर है या मान लीजिए गाजीपुर का चुनाव है या आसपास के जितने क्षेत्र हैं यूपी बिहार के, वो सिर्फ जाति समीकरण की ही बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि वो युवाओं की आशाएं, अपेक्षाएं, रोजगार, उनकी समस्याएं, उनका भविष्य, इस देश का युवा ही तो देश का भविष्य है। क्या देश का युवा सिर्फ जाति से बंधा हुआ है? कबीर ने कहा था, जाति न पूछो साधो की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो युवा, उसका ज्ञान, उसकी आशाएं, उसकी अपेक्षाएं, ये ना पूछ के हम युवाओं को जाति में बांट रहे हैं क्या? ये मैं पूछना चाहूंगी कि किसी जाति के जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, झंडा बरदार कहा जाता है जिन्हें, क्या वो सिर्फ किसी जाति विशेष का होने से व्यक्ति को रोजगार मिलता है? क्या उसकी समस्याएं हल होती हैं? मान लीजिए उसके घर में कोई स्वास्थ्य की समस्या अगर उत्पन्न होती है तो क्या सिर्फ एक जाति में रहने से वो समस्याएं हल हो जाती हैं? क्या उसे सुरक्षा जाति के नाम पर मिलती है? ये कौन, आज 70 साल हो गए करीब हमें स्वाधीन हुए, 70 साल से ज़्यादा हो गए, दुनिया चांद पे जा रही है और पहुंच चुकी है और हम भी चांद पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम मिसाइल टेक्नोलॉजी लेके 4थे दुनिया के देश हो गए जो मिसाइल टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद एक अजीब विरोधाभास है कि जब हम मिसाइल टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, चंद्रयान लेकर के चंद्रमा पे जाने की बात कर रहे हैं, वहां पे हम युवाओं को जो हमारे इस देश को आगे लेके जाने वाला है उनको हम पहले बार वोटरों को क्या बता रहे हैं कि तुम्हारी जाति ये है तो संभावना ये है कि तुम इस पार्टी के लिए वोट करोगे या इस प्रत्याशी के लिए वोट करोगे। मेरी व्यक्तिगत मत से ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। हमें युवाओं को उनको उनकी आशाओं के अनुरूप उनसे बातें करनी होगी। ये संवाद युवाओं को करना होगा, युवाओं को प्रश्न करना पड़ेगा। ये विडंबना जो है, और ये प्रश्न युवाओं को भी अपने जो समाज के ठेकेदार बने फिरते हैं, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि ये किसी के मित्र नहीं होते हैं जो जात का वोट लेकर के चर्चा करते हैं कहीं पे भी, उनसे पूछना चाहिए कि अगर आपको जाति व्यवस्था या जाति में इतना विश्वास है कि जात के नाम पे आप वोट मांगते हैं तो क्यों नहीं उस समाज वर्ग विशेष की, उस जात विशेष की, आप देश को छोड़ दीजिए, या बड़े बृहद समाज तो देश का है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का, उसको छोड़ दीजिए, आप क्या उस जात विशेष की समस्याओं के समाधान के लिए कोई सामूहिक प्रयास आप लोगों ने किया? क्या किसी जाति विशेष में दहेज उन्मूलन, इसके लिए किसी भी नेता ने, जात के जो नेता हैं जो उसके नाम पे वोट मांगते हैं या ठेकेदार बनते हैं, क्या उन्होंने ऐसा कोई प्रयास किया कि दहेज की जो समस्या है जिससे कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं, उस समस्या का निदान इस व्यवस्था के वर्ण में खोजा जाए? क्या कोई गरीब किसान, आप सामूहिक किसान वर्ग की बात छोड़ दीजिए, क्या कोई गरीब किसान, आपकी जात का ही किसान, अगर उसके ऊपर अचानक कोई आपदा टूटती है उसके खेती को लेकर के, उसके व्यवसाय को लेकर के, तो क्या कोई उसकी मदद क्यों जाता है कभी भी जाति विशेष का? क्या वो लोग जो जाति खतरे में है करके वोट तो मांगने आते हैं, लेकिन जब वोट बांट अपनी सीटों को बांटने की प्रत्याशियों में बारी आती है तो वो वर्ग अपने ही परिवार के लोगों को बांट देते हैं?
क्या उस जात में उनके परिवार से योग्य कोई दूसरा परिवार नहीं होता? क्या वहाँ का युवा या वहाँ के कम आयु के लोग, क्या वो इसके हकदार नहीं है कि वो पार्टियाँ अगर जात पे ही मांग रही हैं तो उनको भी मौका दें? ऐसा आप भी देखेंगे कि ऐसा करने में बहुत कम आपको नजर आएंगे, ऐसे होते हुए ऐसे मौके मिलते नहीं हैं, लोग दिखाई नहीं देते हैं करते हुए। तो वोट तो जात का लो, और उत्थान किसका? उत्थान परिवार का, उत्थान अपने इर्द गिर्द कुछ लोगों का। और ध्यान से देखिएगा, चारों ओर इस देश में एक अजीब सा वाद का एक संक्रमण, इसको वायरस कहा जाए, उसका संक्रमण हो रहा है, जो आपके मस्तिष्क को, आपके समाज को पूरी तरह से खाता चला जा रहा है। वाद क्या है? कहीं जातिवाद है, कहीं भाषावाद है, कहीं क्षेत्रवाद है, कहीं मजहबवाद है। क्या पूरा देश कभी इस वाद से उबर नहीं पाएगा दोस्तों? क्या 70 साल बाद भी हम इस वाद को तोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं? चारों ओर अस्मिता खतरे में है। कभी मराठी अस्मिता खतरे में है, कभी तमिल अस्मिता खतरे में है, कभी बिहार की अस्मिता खतरे में है। क्या इस देश की अपनी कोई अस्मिता नहीं? क्या इस देश के युवाओं की अस्मिता नहीं? क्या इस देश के नागरिकों की अस्मिता नहीं? क्यों हम इस तरह की चीज़ों में एक दूसरे से हमेशा बांटे चले जाते हैं? इस देश के पतन का कारण शुरू से ऐसे ही रहा कि हम बांटे गए और हमने कभी प्रतिरोध नहीं किया, हमने कभी विरोध नहीं किया। तो इस आधुनिक समाज में आप विरोध कैसे कर सकते हैं इस सारी ऐसी समस्या का जो आपको ग्रसित कर रही है? अगर आप इसका विरोध नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपका को ग्रस जाएगी, ये आपको किसी लायक नहीं छोड़ेगी मित्रों। तो इसका विरोध बहुत आवश्यक है। अभी कुछ दिन पहले एक बंगाल में एक अजीब सी एक दो दिन पहले समस्या शुरू हुई, जहाँ पे अचानक टेलीविजन चैनल पे देखा गया कि सीधे सीधे भाषा के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है कि इस भाषा बोलने वाले यहाँ गुंडे हैं, इस भाषा बोलने वालों को वोट मत देने दो, ये भाषा खतरे में है। और विडंबना देखिए, लोकतंत्र की एक बहुत ही खूबसूरत परिभाषा, भले ही वो दूसरे उसका कॉन्टेक्स्ट था, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। इसका अर्थ क्या है? लोकतंत्र वही है जहां आप आत्मसम्मान में अपना सिर सीधा रखते हैं, बिना किसी भय के, बिना किसी संशय के। आपका लोकतंत्र आपको यही मौका देता है। राजे रजवाड़े ये मौके नहीं देते थे, आज भी जहाँ तानाशाह हैं वहाँ ये मौके नहीं मिलते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। तो इस लोकतंत्र से ये लोक शब्द हटा करके जाति, भाषा, अस्मिता, इनमें क्यों बांटा जा रहा है? क्यों हम इतने विक्षोभ में हैं कि हम इन चीज़ों का प्रतिरोध ही कभी नहीं करते हैं? अलग अलग चीज़ों में हम बढ़ते चले जा रहे हैं, विरोध अगर नहीं करने से। और मैं इसके लिए आपसे यह अनुरोध करूँगा कि जब आप देखिए, वोट ये किसी प्रत्याशी या किसी पार्टी के लिए नहीं बातें मैं हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं एक वृहद समाज के लिए। तो मैं एज अ वोटर अगर वोट डालने जाता हूं तो मेरा पहला जो मकसद रहता है वो मकसद रहता है गवर्नेंस, क्योंकि गवर्नेंस ही वो चीज़ है जो आपके मौके देती है, चाहे वो नौकरी का मौका हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे शिक्षा हो। तो गवर्नेंस, जो गवर्नेंस बेहतर देता है, सचमुच पूछिए तो लोकतंत्र का वही प्रहरी होता है, वही सेवक होता है, जो आपके मित्र बन के भी, आपके परिवार के या समाज के बड़े भी होकर के आते हैं, लेकिन आपसे अगर जात पे वोट डालने को कहते हैं या जात के नाम पे विभाजन, मित्रता में तो कभी कोई जात नहीं देखता, तो मित्र से पवित्र चीज़ कौन सी हो सकती है? तो अगर आप मित्र में कभी किसी की जात नहीं खोजते, उसका मजहब नहीं खोजते, तो वोट डालते समय इन चीज़ों को अपने से हमेशा दूर रखिए, क्योंकि ये देश जो है इसका भविष्य आपका है, इसको आप लेके आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आप अपना दिमाग खुला रखेंगे, सुनिए सबकी, मैं ये नहीं कहूँगा कि सुनिए नहीं सबकी, सुनिए सबकी सुनिए, उसमें से जो बेहतर आपको अपना प्रत्याशी लगे, जो आपकी आशाओं के अनुरूप हो, जो आपकी सारी आशाएं जो देश के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में है, जो उस पर खरा उतरे। और गवर्नेंस की बात करें, जब गवर्नेंस आती है तो आप देखिएगा यहाँ पे इस समाज में क्या बातें होती हैं, कि अगर आप अपने जात के एक छोटे से कुनबे में रहेंगे तो वक्त बेवक्त वही काम आते हैं, ये बताई जाती हैं बातें, ये चर्चा का विषय रहती हैं। और वो बातें क्या हैं? आपके परिवार में कोई बीमार पड़ता है तो अस्पताल जाना हो तो वो आपको पहुँचा देंगे, आपको सुरक्षा की ज़रूरत हो तो सुरक्षा प्रदान करेंगे। अब आप इसको गवर्नेंस पर एक्स्ट्रापोलेट कीजिए, गवर्नेंस पर लेके जाइए। अगर गवर्नेंस देश की अच्छी हो, अगर देश वहां पहुंचे जो जहां पहुंचना इसका हक है, तो अमेरिका जैसे देशों में अस्पताल पहुंचाने के लिए लोग नहीं लगते, एम्बुलेंस लगती है।
वो एम्बुलेंस कहाँ से आती है? वो एम्बुलेंस एक गवर्नेंस से आती है कि गवर्नेंस इतनी सशक्त है, देश के जो जो फंडामेंटल्स हैं वो इतने स्ट्रांग हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि उसके लिए लोगों की कम और व्यवस्था की ज़्यादा ज़रूरत लगती है। तो इस व्यवस्था की ज़रूरत है, गवर्नेंस ही पूरा करती है। तो इन चीज़ों को जब पहला वोटर हो उसको इन चीज़ों को ज़रूर दिमाग में रखना चाहिए। और जब तक आप बदलाव की ओर नहीं बढ़ेंगे, आप इस देश को इसके सही रास्ते पर नहीं लेकर के जाएंगे, जब तक आपका जीवन का मोटो ये नहीं रहेगा उत्थिष्ट भारता, ये भारत के उत्थान का समय है, ये भारत जैसे स्वावलंबी देश के पुनरुत्थान का समय है, ये समय आ गया है मित्रों जब इस जाति के राजनीतिक और एक अश्लील इस राजनीतिक नृत्य को रोकिए और सही दिशा में बढ़ने में अपना प्रयास दीजिए। आपके लिए पहला मौका है और ये भविष्य आपका है, इसलिए सही तरीके से सोचिए और सोच करके ही अपना मत डालिए, क्योंकि मतदान आपका अधिकार है लेकिन वो अधिकार आपकी जिम्मेदारी भी देता है। वो एक तरह से एक आँख की तरह है। आँख का काम क्या होता है? आँख चीज़ें बहुत सारी देखती है लेकिन सही और गलत आँख तुरंत पहचान लेती है। अगर आपको कहीं सड़क पर गंदगी दिखती है तो आपका प्रयास रखता है कि उसको देख करके आप अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो उससे उसको नज़रअंदाज कीजिए। समाज की कुछ कुरीतियों के ऊपर आपकी नज़र पड़ती है, सारियों से आप उलझ नहीं सकते हैं लेकिन एक एक करके उलझते हैं। तो प्राथमिकता आप किसको देते हैं? उनको आपकी आँख और आपका मस्तिष्क, ये दोनों उनको अलग कर देता है। लेकिन अगर आपका आँख और आपका मस्तिष्क किसी न किसी वाद से जुड़ा होगा तो आपको कभी सही और गलत के बीच में फर्क नहीं करने देगा। और अगर आपको वाद रखना है तो मैं कहूँगा दो वाद रखिए आप अपने दिमाग में, एक राष्ट्रवाद, दूसरा मानवतावाद। अब राष्ट्रवाद को भी लेके भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, कभी कभी मीडिया के जरिए, कभी समाज के जरिए, कि राष्ट्रवाद मतलब किसी के लिए नहीं, किसी वर्ग विशेष के लिए ये या मजहब विशेष के लिए। राष्ट्रवाद का अर्थ ये नहीं होता है। राष्ट्रवाद का अर्थ तो होता है राष्ट्र को सर्वोपरि रखना, जहाँ राष्ट्रहित ही में अपना हित खोजा जाए। और राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र पत्थर और पहाड़ों से नहीं बनता है, राष्ट्र मानव से बनता है, मनुष्यों से बनता है। जो राष्ट्रवाद वो होता है जो किसी भी धर्म, मजहब, जात, सब जात, किसी के बीच में फर्क नहीं करता, सबको समान मौका देता है, सबको समान सम्मान देता है, हर मानव को पहले मानव समझता है, उसके बाद किसी बंटवारे में डालता है। तो अगर आपको वाद में ही जाना है तो इन वादों में जाइए मित्रों, और अपने देश को आगे बढ़ाइए और समाज के लिए अपना पहला योगदान दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।